शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियाँ और क्या हो सकता है आपके साथ। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मेष है उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। चीज़ों को मैनेज करके चलने का प्रयास करें, लोगों से साथ संबंध बनाने का प्रयास करें। कई बार हमारे मन की विकृति हमारे संबंधों को खराब कर देती है, जिससे हमारा कार्य भी प्रभावित होता है और हमारा परिवार भी। तो चीज़ों को संभल कर चले, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। व्यापार की दृष्टि से समय आपका अच्छा है, देख समझ कर गाड़ी चलाएं, वाहन दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि वृषभ है उनके जीवन में भी बड़ा परिवर्तन आएगा। आप कैरियर में लगातार उन्नति करेंगे, कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है। फाइनेंशियल स्थिति बहुत बेटर हो सकती है। आपको थोड़े से अपने दिमाग के इस्तेमाल के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाना होगा, ताकि आपको अत्यधिक लाभ हो सके। तो इस स्थिति से अपने आप को बांधने के लिए या पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए, आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। स्वास्थ्य के प्रति अनदेखा ना करें, पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मिथुन राशि वालों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आप थोड़ा भावुक हो सकते हैं, अपनी चीज़ों को समझकर सोच समझकर आगे बढ़े। कई बार हम जीवन को जिस रूप में देखते हैं वो उस रूप में हमें दिखाई नहीं देता जो हमारे साथ होता है। तो परिवर्तन ही संसार का नियम होता है, और कई बार कोई परिवर्तन अगर हमारी लाइफ में हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाता है। इसी सोच के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर समय आपका अच्छा है। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आपके संबंध लोगों से खराब हो सकते हैं। परिवार में आपके कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, शादी ब्याह का माहौल बन सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों से बहुत ज़्यादा कटते जा रहे हैं। आपके संबंध बहुत लोगों से खराब होते जा रहे हैं, इस चीज़ पर आप विचार करें, अन्यथा आप जीवन में अकेले रह जाएंगे। व्यापार की दृष्टि से समय आपका अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य और पर्सनल रिलेशंस को आपके अगर देखा जाए तो ये चीज़ें आपके लिए बेटर नहीं चल रही है। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि सिंह है उनकी स्थिति पहले से बेटर है। आपको लाभ होगा, चीज़ें पहले से बेटर होके आएंगी, चीज़ों को बेटर करने का प्रयास करेंगे। आकस्मिक बड़ा लाभ भी हो सकता है, लेकिन आज अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा को टालें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो कन्या राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से तो अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो रहा है, चीज़ें आपकी बिखर रही हैं। जिस रूप में आप उन्नति करना चाहते हैं वो आपको नहीं हो पा रही है चीज़ें, जिसके कारण आपको समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और आपको प्रॉब्लम्स लगातार उभर कर आने लगी हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो तुला राशि वालों के जीवन में भी पहले से बेटर चेंजेस आएगा, चीज़ें आपकी काफ़ी निकल कर निखर कर आएंगी, आपको लाभ होगा, शत्रु आपके परास्त होंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपके जीवन में उन्नति की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि वृश्चिक है उनके जीवन में भी जो स्थिति है पहले से तो बहुत बेटर है, लाभ होगा आपको, लेकिन मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं, पारिवारिक मामलों में उलझ सकते हैं, प्रेम संबंधों में विवाद हो सकता है, पति पत्नी के बीच मतभेद हो सकता है, तलाक तक की स्थिति आ सकती है। तो सोच समझ कर चलें और जीवन को एक सही दिशा देने का प्रयास करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि धनु है उनके जीवन में काफ़ी निगेटिव वाइब्रेशंस मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को पॉजिटिव करने का प्रयास करें, प्रयास करते रहें। संतान पक्ष को लेकर आपके जीवन में समस्या खड़ी हो सकती है, पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वाहन धीरे चलाएं, आपको नसों से संबंधित प्रॉब्लम भी आ सकती है और हो सकता है कि आपको पैर पर चोट लग जाए। संभल कर अगर वाहन चलाएंगे तो आप इस परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मकर राशि वालों को अपने जीवन में कॉन्फिडेंस लेवल को बनाकर रखने की आवश्यकता है। लगातार आपका प्रयास जो आपको असफलता की तरफ ले जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर निगेटिव वाइब्रेशन से आप भर रहे हैं, इस चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और अपने अच्छे कर्मों की तरफ भी अपने आप को प्रेरित करना होगा, तभी आप अपनी चीज़ों से बाहर आ पाएंगे। और कहीं ना कहीं कई समस्या का समाधान हमें समय देता है, तो थोड़ा सा समय का इंतजार करें, चीजें आपको पॉजिटिव होकर मिलेंगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि कुंभ है उनकी स्थिति पहले से बेटर है, लाभ की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके काम में आपको लगातार प्रॉब्लम होगी, लगातार आप विफल होंगे, कोई बड़ी प्लानिंग आपकी विफल होने से आपका माइंड काफी अपसेट हो सकता है, चीजों को लेकर आप
परेशान हो सकते हैं, कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में खड़ी हो सकती है। प्रयास करें कि किसी को आप धोखा ना दें, नहीं तो ये आपके लिए और भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं मीन राशि वालों के जीवन में। जिनके वैवाहिक संबंध के योग नहीं बन रहे हैं, उनके वैवाहिक संबंध के योग बन सकते हैं। चीज़ों को बेटर करने का प्रयास करें, विवाह का प्रयास घर वालों को करना चाहिए इनके, जिससे इनके विवाह के योग बन सके और इनके नए जीवन की भी शुरुआत हो। कार्य व्यापार की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। तो आपने जाना कि किस प्रकार आपकी राशि से आप प्रभावित होंगे और क्या अच्छा और क्या बुरा आपके साथ हो सकता है। लेकिन हमारे जीवन में हमेशा हमें अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशन भी हमें हमेशा प्राप्त होते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।